हेलो दोस्तों, YouTube मोबाइल रिपेयरिंग नंबर वन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। बात करेंगे आज, एक डिस्प्ले कनेक्टर शॉर्ट हो गया है, तो ये शॉर्ट के वजह से कनेक्टर जो उखर चुका है, देख सकते हैं कि ये कनेक्टर को हम लोगों को न्यू लगाना होगा, तो ये कनेक्टर मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो आपको कहाँ से एक सॉकेट मिलेगा, तो आपको हम बता देते हैं, सॉकेट आपके पास पुराना डिस्प्ले या फेंका हुआ इन्फिनिक्स, आइटल, टेक्नो, ये सब मॉडल का डिस्प्ले का कनेक्टर का आपको लग जाएगा। और ये जो मॉडल है टेक्नो, जो न्यू मॉडल आईफोन की तरह दिखने वाला मॉडल है, कॉपी बनाया गया है। तो आपको इसमें कैसे सॉकेट को लगाना होगा, तो आपको बता देते हैं कि आयरन की मदद से आपको आसान तरीका पड़ेगा, इससे सॉकेट आसानी से रिमूव हो जाएगा। चलिए आपको ये रिमूव करके हम लोग सॉकेट दिखाते हैं कितना आसान तरीके से। पहले बैलेंस बना लीजिएगा अच्छे से आप, तो बैलेंस बन गया तो हल्का आपको पेस्ट लेके इसके ऊपर लगा देना है। तो इस तरह आपका क्या होगा, अच्छे से हीट हो जाएगा तभी को उखरना है। देखिए कितना मस्त से आसानी से ये टिप से उखर गया। इसी तरह आप को सॉकेट कहीं भी ना मिले तो अपने से आसान तरीके से ये इसमें लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये सब न्यू मॉडल है और ये नया मॉडल लॉन्च हुआ है, अभी 2024 में लॉन्च हुआ था ये भाई का, जिसका वाटरप्रूफ की वजह से ये फ़ोन जो है शॉर्ट हो गया था। अब इस सॉकेट को हम लोगों को रिमूव करना होगा, इस सॉकेट का बैलेंस बनाना होगा, किस हिसाब से इसको सॉकेट को हम लोग को रिमूव करना होगा, तो इसको आयरन के ही तरफ से करना होगा। क्योंकि इस तरह बैलेंस नहीं बनेगा, क्योंकि आपको आयरन से सब एक एक सोल्डिंग को इसको रिमूव करना होगा। तो चलिए हम लोग इसको आयरन से इसको रिमूव करते हैं, थोड़ा जूमिंग कर देते हैं कैमरा को, क्योंकि आपको भी साफ से दिखाई दे किस तरह से हमने इसको रिमूव किया है। तो आप जो जानिएगा दोस्तों कि इसमें आपको कैसा मॉडल सब ज़्यादा, तो ऐसा इस चीज़ से ही चार्ज होता है और इससे ही इससे आवाज़ साउंड निकलता है, और हेडफोन भी इसी से सपोर्ट करता है और माइक भी इसी से सपोर्ट करता है और वाइब्रेशन भी इसी से काम करता है, स्पीकर रिंग। तो बात करेंगे इसमें नेटवर्क का भी, इसी में वायर रहता है तो इसी से सप्लाई जाता है और ये डिस्प्ले से ही कनेक्टर जुड़ा हुआ ज्वाइंट रहता है। तो दोस्तों इसी तरह आपको देखिए आयरन से इस तरह से साफ करके आसान से एकदम रिमूव कर लेना। आयरन का हीट भी होना चाहिए, टेम्परेचर अच्छे से होना चाहिए, तभी इस सोल्डिंग को भिड़ाइएगा, नहीं तो ज़रा सा भी सोल्डिंग मिस होगा तो इसका प्रिंट भी उखड़ सकता है। क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगा हुआ था, तो आप तो ये देखिए सॉकेट को कितना आसान से हम लोग इसको बनाएंगे और रिपेयर करेंगे, और चार्जिंग भी 100% एकदम वर्क करेगा और काम करेगा, और ये सॉकेट बिल्कुल जेन्युइन ही काम करेगा। तो हम लोग सॉकेट को उखाड़ के रखे हुए, तो इसको हम उखाड़ के रिमूव कर दिए हैं, तो इसको साफ कर लेंगे अच्छे से, कुछ साफ ऐसे से करेंगे क्योंकि इसका प्रिंट आ जाए वापस। तो हम लोग यहाँ पे जितना भी कोशिश करके इसको साफ करने का प्रयास रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसा वीडियो लगा होगा तो अच्छा, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए गाइस इतना मेहनत करके लाते हैं यार वीडियो, कम से कम एक लाइक तो बनता है। तो देखिए इसको अच्छे से फिनर से साफ कीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूरा सर्किट हो गया, इस जगह पे हम लोग इसको छील कर साफ करेंगे, क्योंकि इस जगह पे प्रिंट बना देंगे। तो प्रिंट बनाने के बाद जो है इसका अच्छे से चारों बगल से साफ होना चाहिए, जितना भी साफ रहेगा उतना ही फैसिलिटी से लगेगा, क्योंकि आपको तार भी इसका समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉकेट को अब एडजस्ट करके इसमें फिट करके लगाते हैं, क्योंकि अच्छे से ये साफ हो चुका है और इसमें अच्छे से बैलेंस बना के हम लोग लगाएंगे। जितना अच्छे से आप अपने हाथ से लगाइएगा साफ सुथरा, उतने मस्त से ट्रिक से काम करेगा ये, और ज़रा सा भी ये फेल्योर नहीं होगा, 100% काम करेगा दोस्तों। क्योंकि आप लोगों को ये नहीं लगे कि यार नहीं, तो इसके वजह से आपको पूरा डिस्प्ले चेंज करना पड़ जाएगा, क्योंकि डिस्प्ले तो मार्केट में बहुत महंगा मिल जाएगा, इस वजह से आपको इसका ओरिजिनल डिस्प्ले तो नहीं मार्केट में मिलेगा, इस वजह से आपको इस सॉकेट को रिपेयर करना ही होगा। तो आप लोगों को ये ऐसा सॉकेट रिपेयर करना होगा, या क्योंकि आजकल के डेट में जो है इन्फिनिक्स में वाटरप्रूफ नहीं होता है, क्योंकि ये जो लो मॉडल या 10-15 हज़ार के फ़ोन के अंदर में ये सब कंडीशन नहीं दिया हुआ रहता है, और इधर से चार्जिंग की तरफ से जाना तो 100% है इसमें, तो इस वजह से ये सॉकेट से गया है पानी, तो इस वजह से शॉर्ट कर गया है। पर अभी डिस्प्ले स्प्लेस का कुछ हुआ नहीं है, पर इसके हेडफोन के तरफ से पानी गया जो इसके अंदर घुस गया, जो शॉर्ट मतलब इस जगह वाटर प्रूफ से सब शॉर्ट कर गया। तो इसी तरह आपको देखिए सॉकेट को रिपेयर करना होगा। तो देखिए हम इस तरह आयरन से कितना अच्छे से इसको साफ सुथरा से लगा दिए हैं, तो यहाँ पर लगाने का भी अच्छे से तरीका है, हल्का बीट चलाइएगा, ज़्यादा ज़ोर से नीचे प्रेस नहीं कीजिएगा, ज़्यादा ज़ोर से प्रेस कीजिएगा तो इसका नीचे का प्रिंट वर्क नहीं करेगा, मतलब उखड़ जाएगा। तो हम लोगों ने लगा दिया पूरा साफ सुथरा से, तो अब दिख रहे हैं कितना क्लीन से लगाए हैं। इसी तरह आपको क्लीन से ही पूरा सॉकेट को लगाना होगा। तो हम इसको भी साफ कर देते हैं, क्योंकि इसको साफ करने का काम है, इसको साफ कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि इस तरह आपको साफ कर लीजिएगा तो अच्छे से इसका मतलब कहीं भी कनेक्टर वनेक्टर भी ज़रा सा भी मिसफोल्ड नहीं होगा और अच्छे से वर्क करेगा।
चलिए इसको अच्छे से और साफ़ कर देते कपड़े से, क्योंकि इसके अंदर थीनर वीनर कहीं गया नहीं हो, क्योंकि इस जगह पे तो मतलब थीनर से इसको साफ़ किया ना, पूरा बोर्ड में पूरा थीनर समा आया, तो उसको अच्छे से कपड़े से कॉर्नर साफ करने के बाद जो है बैठ जाता है। इसको बोर्ड को अच्छे से फिट उट करके चेक करेंगे हम लोग और लगा लो, चेक करके कनेक्टर बैठता है कि नहीं। देखिए तो कनेक्टर एकदम 100% बैठेगा और लग भी जाएगा, क्योंकि कनेक्टर वही रहता है 34-33 पिन का रहता है, पिन के हिसाब से गिन लीजिएगा, आपको डिस्प्ले में कनेक्टर ये मिल जाएगा। ओके, और ये फ़ोन चालू हो चुका है, अब इसको हम लोग चेक करेंगे चार्जिंग 100% वर्क करता है कि नहीं करता है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया था जिस वजह से इसका काम नहीं कर रहा था चार्जिंग, तो ये हम लोगों ने इसको रिपेयर कर दिया है, चार्जिंग लगा के चेक करेंगे। तो यहाँ 100% यहाँ चार्जिंग काम कर रहा है, देख लीजिए, चलिए एकदम बिल्कुल चार्जर जनमन काम करने लगा, मतलब ये पूरी तरह आपका सक्सेसफुल हो चुका है। इसी तरह आप अपने मतलब इनफिनिक्स का, आपको चाहे आइटल का या टेक्नो का ऐसा कोई भी मॉडल आएगा तो आप आसानी से इस फ़ोन को सर्विस कर लीजिएगा। आप लोग न्यू वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाँ, ये एक चीज़ बताना भूल गया था, ये देखिए इनफिनिक्स का ये मॉडल जो है एकदम बिल्कुल आईफोन का कॉपी लगता है, एकदम जेरॉक्स कॉपी भाई लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।